Good morning, my dear students. I welcome to you on this digital platform from Tiny Tots Public Senior Secondary School, Bardmer. As you know, we have finished our past simple tense. Now, we start with the structure of past continuous tense. What is the structure of past continuous tense? You can see here, subject, was, verb, verb first form, ing and object. देखो कंटिन्यूस है यहाँ पर. कंटिन्यूस का मतलब मैंने क्या कहा था, आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ. अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या थी, प्रेजेंट सिंपल में इज वर्ब थी, और पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगी, वाज वर्ब. बस इतना सा फर्क है, बाकी सेंटेंस सारे के सारे एजेटिव है, आईएनजी भी एजेटिव है. कैसे, वहां हमने पढ़ा था रहा है, रहे हैं, रही है, या जिन वाक्य से पता चले कि कोई कार्य वर्तमान में जारी था, जारी है, तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. लेकिन यहाँ पर रहा था, रहे थे, रही थी, या जिन वाक्य से पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था. तो ध्यान से समझना, जिसने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से वो वीडियो देखी है, समझ में आया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. और जिसने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो नहीं देखी है, तो पहले वह वीडियो देखें, जब वो वीडियो देख लोगे आप, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा. नाउ लुक एट द वर्ड एंड सी हियर आइडेंटिटी. पहचान क्या थी, रात आ रही थी, रही थी, क्या थी, वाक्य से पता चले कि पहले भूतकाल हो जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं इसके, राम पत्र लिख रहा था, पीछे क्या रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी, आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा. सीता गाना गा रही थी, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. तोता बेड पर बैठा हुआ था, अब यहाँ पर रहा था, रहे थे, रही थी नहीं है, है ना, लेकिन भूतकाल में जारी, यानी कि ये क्रिया जो थी बैठने की, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिखाया था, तो इसमें भी क्रिया क्या है, भूतकाल में जारी थी. तोते के पेड़ पर बैठने की क्रिया भी कंटिन्यू थी, इसलिए ये भी किसमें सेंटेंस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. तो जिन वाक्य में रहा था, रहे थे, रही थी, या जिन वाक्य से पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था, है ना, तोता पेड़ बैठा हुआ था, तो पास्ट के अंदर ये कार्य जारी था, सिर्फ ये क्रिया भी कंटिन्यू थी, इसलिए ये भी सेंटेंस किसमें बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस में. बिल्कुल इजी है, सेंटेंस बनाते हैं इसके. अब क्या बन जाएंगे इसके भाई, राम, उसके बाद हाँ एक और चीज ध्यान देना, अब वॉज किसके साथ लगेगा और वर्ब किसके साथ लगेगा. तो एक चीज इसमें ध्यान देना, इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करेंगे, और साथ ही साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, इस वॉज का यूज करेंगे, आई के साथ भी, आई व थर्ड पर्सन सिंगुलर, है ना, इस वॉज का यूज होगा आई के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से थे, तो मैं लिख देता हूं यहां, थर्ड पर्सन सिंगुलर थे ही, शी और थे ना, तो ये आई, ये ही, शी और इट, कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर, इन दोनों के साथ किसका यूज होगा, वॉज का, बाकी सभी का किसका यूज होगा, वर का. बस आपको इतनी सी चीज जो है ध्यान रखनी है, ठीक है, बाकी सभी के साथ प्लूरल में वर का. तो राम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहां क्या आ जाएगा, राम वाज राइटिंग ए लेटर. बहुत इजी से सेंटेंस बन गया. अब सीधा मैं यहां इसको चलो मैं चेंज कर देता हूं, यहां भी मैं लिख देता हूं मैं गाना गा रहा था, मैं गाना गा रहा था, तो क्या हो जाएगा यहां पर, मैं का क्या हो जाएगा आई, और मैंने अभी आपको क्या कहा कि आई के साथ वॉज का यूज होता है, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, बड़ा ही थोड़ा सा रख देना, है ना. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज का यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई, और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी के साथ करते हैं, बाकी सभी के साथ वर्ब का यूज करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, तोता पेड़ पर बैठा हुआ था, कैसे बनेगा भाई ये, पैरट वाज, पैरट सिंगुलर है, वाज सिटिंग ऑन द ट्री,
ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह सेंटेंस। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे इस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के। अब नेक्स्ट इसके सिक्स टाइप के सेंटेंस लेते हैं, वो कैसे बनेंगे सिक्स टाइप के सेंटेंस। पहला ले लेते हैं, राम वाज राइटिंग ए लेटर। राम ने एक पत्र लिखा था, ये तो दिया अफर्मेटिव। नेगेटिव क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। तो राम वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। फिर इंटरोगेटिव वर्ब क्या करते हैं, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर है। तो वाज क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा तो वाज राम राइटिंग ए लेटर। बहुत इजी था ना। उसके बाद फिर इंटरोगेटिव वर्ब कैसे बनेंगे, वाज राम। अब पता है नेगेटिव और इसका सब्जेक्ट और नॉट का आपस में बॉन्ड है, तो राम नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वाई। वाई के बाद ये सेंटेंस ऑब्वियस पूरा कवर रिपीट हो जाएगा यहाँ, फिर लिख दो यहाँ वाई, फिर ये सेंटेंस पूरा हो गया, फिट हो जाएगा। फिर ध्यान से देखो सेंटेंस को, राम वाज राइटिंग लेटर, राम एक पत्र लिख रहा था, राम वाज नॉट राइटिंग लेटर, राम एक पत्र नहीं लिख रहा था, वाज राम राइटिंग लेटर, क्या राम एक पत्र लिख रहा था, वाज राम नॉट राइटिंग लेटर, क्या राम एक पत्र नहीं लिख रहा था, राम पत्र क्यों लिख रहा था और राम पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। इस तरीके से सिक्स सेंटेंसेस बनेंगे इसके, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव नेगेटिव, है ना। इस तरीके से सिक्स टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे, इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब मुझे लगता है आपको ये सेंटेंस बनाने आ गए होंगे सिक्स टाइप्स के, बहुत ईजी सेंटेंस है। घर पर बैठ के इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो तब आपको रीडर अच्छे से समझ में आएगी, सेंटेंस आप अच्छे से बना पाओगे, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होंगे। अब पास्ट इंटीग्रल टेंस के जो है एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम देखेंगे थोड़ा। एग्जाम में अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके। लुक एट द बोर्ड, यू कैन सी हियर सम एग्जांपल्स ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और एडवर्ब्स के कौन कौन से होते हैं तो ध्यान देना, व्हाइल दोस डेज आपको याद हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दीज डेज पढ़ा था ना, तो दीज डेज का मतलब क्या होता है अभी इन दिनों, और दोस डेज का मतलब होता है उन दिनों। दीज डेज प्रेजेंट की बात हो रही है, दोस डेज पास्ट की बात हो रही है, तो दोस डेज किसमें आएगा, पास्ट के एडवर्ब में आएगा। व्हाइल जो है इस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है मेन एडवर्बियल है, क्योंकि काफी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, तो एडवर्बियल मैंने आपको अलग से नहीं लिखवाया, इसी में आपको बता रहा हूँ। और व्हेन भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एडवर्बियल है। अब जैसा मैं आपको पहले भी कहता था कि आपको जो है एडवर्बियल सर्टेन ही नहीं है, अब किस तरीके से ध्यान देना इधर, अब समझोगे कैसे सेंटेंस को, आप खुद सेंटेंस का मीन निकाल सकते हो, है ना। जब सेंटेंस का मीन निकलेगा तो अपने आप को सेंटेंस बोल देगा कि मेरे अंदर जो है ये टेंस फिलअप करो। एग्जाम्पल, आई डैश व्हाइल माई ब्रदर डैश फुटबॉल। अब आप इसका क्या मीन निकालोगे, व्हाइल मतलब जबकि, डैश दौरान, आई डैश स्लीप वर्ब दे रखी है और यहाँ पर वर्ब दे रखी है प्ले, तो यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस फिलअप होगा किस तरीके से, कि मैं जब आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था जबकि माय ब्रदर वाज प्लेइंग फुटबॉल,
मैं सो रहा था जबकि मेरा भाई क्या कर रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, है ना। ऐसा अपन नहीं लिख सकते मैं सोता था जबकि मेरा भाई फुटबॉल खेल रहा था, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या मतलब करेंगे यहां पे, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था जबकि मेरा भाई अनदर वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ये भी कर सकते हो, आई वॉज रीडिंग व्हाइल माय मदर वॉज कुकिंग फूड, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी माता जी खाना पका रही थी। तो सेंटेंस का मीन समझो, उसके बाद उसे वर्ब फिल अप कर दो। बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं इस कंटीन्यूअस टेंस के, और लगभग वाई वाले पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ही डैश अ नोवेल दोस डेज, है ना, राइट। वह उन दिनों क्या करता था, एक उपन्यास लिख रहा था। वी के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ही वॉज राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। बहुत इजी से क्वेश्चन, जनरल से क्वेश्चन आते हैं जब आपके पेंस। नेक्स्ट देखो, व्हेन शी रीच्ड माय होम आई डैश माय कार, जब वह मेरे घर पहुंची, जब वह मेरे घर पहुंची तब मैं क्या कर रहा था, आई वॉज वॉशिंग माई आई वॉज वॉशिंग माई कार, जब वह मेरे घर आई या पहुंची तो मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी कार धो रहा था, है ना। दे डैश अ सॉन्ग फॉर द प्रोग्राम, तो यहां पे क्या जाएगा, प्रिपेयर, वे एक जो है प्रोग्राम के लिए क्या कर रहे थे, सॉन्ग तैयार कर रहे थे। तो दे के साथ क्या जाएगा, वर प्रिपेयरिंग अ सॉन्ग फॉर द प्रोग्राम। अब ध्यान दो इस सेंटेंस को, मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि जो सेंटेंस का मीन हमको समझना है। चलो ये सेंटेंस आपने फिल्म यहां पे कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके का एग्जाम में सेंटेंस आए और वर्ब देख लो प्रिपेयर, तो आप दे वर प्रिपेयरिंग की जगह दे आर प्रिपेयरिंग भी लिख सकते हो। क्यों, सेंटेंस का मतलब निकालो। दे आर प्रिपेयरिंग अ सॉन्ग फॉर द प्रोग्राम, वे प्रोग्राम के लिए जो है एक सॉन्ग तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो यहाँ वर प्रिपेयरिंग भी सही है, इज प्रिपेयरिंग भी सही है, ठीक है ना। अब इसके बाद में फ्यूचर में भी इसको डालना चाहे तो फ्यूचर का भी सेंटेंस बन सकता है। किस तरीके से बनेगा देख लो, दे विल प्रिपेयर अ सॉन्ग फॉर द प्रोग्राम, वे इस प्रोग्राम के लिए एक सॉन्ग तैयार करेंगे, तो ये भी सेंटेंस अपने आप में सही होगा। अब आपको सर अगर तीनों के तीनों सही है तो हम एग्जाम के अंदर क्या लिख कर आए, तो आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंस के अंदर। अब देखो, अब यहां पर क्या कोई प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का कोई एट्रीब्यूट दे रखा है इस पूरे सेंटेंस के अंदर, तो हम देख रहे हैं इस पूरे सेंटेंस के अंदर ना तो कोई प्रेजेंट का एट्रीब्यूट है, ना पास्ट का है, ना फ्यूचर का है। जब ये सिचुएशन हो एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, जब ना प्रेजेंट का एट्रीब्यूट हो, ना पास्ट का हो, ना फ्यूचर का हो, और सिंपल सा सेंटेंस हो, कनेक्टिव भी नहीं लगे हुए हो, इस तरीके के व्हेन व्हाइल कनेक्टिव भी नहीं हो, तब हम हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। यू ऑलवेज यूज प्रेजेंट टेंस व्हेन वी सी दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो माय स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ध्यान दो, अब अगर मैं यहां पर प्रोग्राम के बाद में अगर मैं लिख दूं लास्ट वीक, या मैं लिख दूं लास्ट नाइट, अब यहां पर मैं डाल दूं लास्ट वीक या लास्ट नाइट, है ना। अगर मैं लिख दूं लास्ट नाइट, तो एडवर्ब क्या जाएगा, लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट क्या होगा, पास्ट का एडवर्ब होगा, तो पास्ट का एडवर्ब अगर यहां पर आता है लास्ट नाइट, तो यहां हम क्या फिल अप करेंगे, वर्ब प्रिपेयरिंग, ठीक है। उसके बाद में फ्यूचर का एडवर्ब लो, तो क्या होगा, फ्यूचर का टेंस आएगा। तो हमको पहले सेंटेंस देखना है, और ये आपको तब समझ में आएगा जब एक्सरसाइज करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम इस तरीके की, तब आपको समझ आएगा कि सेंटेंस को किस तरीके से हमको फाइंड आउट करेंगे कौन सा टेंस इसके अंदर फिल अप करना है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं ना, तो एडवर्ब फिक्स होते हैं और इस तरीके के सेंटेंस आएगा तो ये भी फिक्स नहीं होता है कि इसमें पास्ट कंटीन्यूअस आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आएगा या फ्यूचर कंटीन्यूअस आएगा। नहीं, नॉर्मली हमें क्या फिलअप करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फिलअप करना है। सो माय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल्स मैं अभी बहुत कम कम ले रहा हूँ, चार चार पाँच पाँच एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई तब मैं आपको जो है
हर टेंस के जो है 5-5, 7-7, 10-10 एग्जाम्पल जितने हो सके अलग अलग तरीके के, मैं आपको एक चार्ट दूंगा, उससे आपको और अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा एग्जाम, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी चीज़ को बेटा रटने की कोशिश मत करना, समझोगे सारी चीज़ें समझ में आएगी, नहीं समझेंगे तो मैं बैठा हूँ ना समझाने के लिए, जब भी ऑफलाइन क्लासेस हमारी होगी सारे डाउट्स मैं अभी क्लियर करूंगा। सो नाउ माय स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो विद अ न्यू टेंस पास्ट परफेक्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।